साजिद खान ने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि और भी कई महिलाओं के साथ गलत किया। आप में वो बात नहीं है, और मैं उनसे पूछती, सर कौन सी बात नहीं है बताइए ना। नहीं, वो बात नहीं है जो सनी लियोन में है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो उनमें है और हमें नहीं है? इनका फंडा ये है, बद रहो लेकिन बदनाम मत रहो, खुले में डिप्रेशन के नारे लगाओ, बंद कमरे में अगर माल का सेवन करना हो करो, बेशक करो। देखिए, परसों जब मैंने जिया खान की डॉक्यूमेंट्री डेथ इन बॉलीवुड के बारे में पढ़ा, तो अचानक मेरे ज़ख्म ताज़ा हो गए और मुझे याद आया कि कैसे साजिद खान ने अप्रैल 2005 में मेरा यौन शोषण किया था। लोग पूछते हैं 2005 की बात आप आज 2021 में क्यों कर रही हैं, क्यों बता रही हैं? इन लोगों को बता दूं कि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में रखना। 2005 में मैंने अपना बाप खोया था। एक न्यूकमर थी मैं बॉलीवुड में, मुंबई नगरिया में। ये उम्मीद रखना एक 20 साल की लड़की से जिसने अपना बाप खोया हो और जो एक न्यूकमर हो, कि वो ऐसे हादसे के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाए या मीडिया को अपने इस अनुभव के बारे में बताए, बहुत ही अनरीजनेबल होगा। मैं कुछ साल पहले तक खुद को ही कसूरवार ठहरा रही थी इस बात के लिए। मुझे लगता था कि अगर मैं साजिद खान से मिलने नहीं जाती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, और कई महिलाएं ऐसा ही सोचती हैं, वो खुद को ही दोषी ठहराती हैं अपने यौन शोषण के लिए। कुछ साल पहले जब मुझे पता चला मी टू मूवमेंट के चलते कि साजिद खान ने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि और भी कई महिलाओं के साथ गलत किया, तब जाकर मैंने खुद को कसूरवार ठहराना बंद किया। तब जाकर मैंने ये माना कि नहीं, कसूर मेरा बिल्कुल नहीं था। मैं अगर नहीं जाती तो मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता जो हुआ है, लेकिन किसी और के साथ होता, किसी और का शोषण होता। तो बात यहाँ पर मेरा, उसका, इसका, तेरा बिल्कुल नहीं है, बात यहाँ पर हम सब की है। तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे साजिद खान को सबक सिखाना है, नहीं, इसलिए क्योंकि मैं सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर किसी भी महिला का शोषण ना हो बॉलीवुड में, किसी भी महिला का फ़ायदा ना उठाया जाए, ख़ासतौर पर उन महिलाओं का जो छोटे शहरों से आती हैं बड़े सपने लेकर। ये मेरा उद्देश्य है। जी, 2005 मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक साल रहा। मैं शायद 20 साल की थी और अचानक मेरे पापा गुजर गए। आंध्र प्रदेश के सुनामी विक्टिम्स का इलाज करते करते मैं अपने पापा की चहेती हुआ करती थी, एंड उन्हीं दिनों साजिद खान का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है, एक फिल्म करनी है आपके साथ। मैं बहुत खुश हुई ये सोचकर कि उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिलने वाला है, और उनके पास गई। लेकिन कभी दिल में ये डाउट नहीं आया था कि
शायद मेरा शोषण होगा। नहीं, अगर ऐसा डाउट आया होता तो शायद मैं बिल्कुल नहीं जाती। और उनसे मैंने बताया भी था उनसे मिलते ही कि ऐसा ऐसा है, कुछ ही दिन पहले मेरे पापा चल बसे। मुझे लगा शायद थोड़ी बहुत सहानुभूति मिलेगी, लेकिन नहीं। लोग कहते हैं ठीक है ना, लिंक दिखाया तो क्या बुरा किया, आप अंग प्रदर्शन करती हैं, आप सेक्स सिंबल हैं, आपके लिए बहुत आसान होता होगा किसी का लिंग अपने हाथ में पकड़ना। एडल्ट कंटेंट क्रिएटर मैं अब बनी हूँ। 2005 में मैं केवल एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी, एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी, और चाहे महिला जो भी हो, एक अभिनेत्री हो या एडल्ट कंटेंट क्रिएटर हो, वैश्या हो, डांसर हो, सिंगर हो, रैपर हो, आकर्षित हो या आकर्षित ना हो, तो किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो अपना लिंग उसके हाथ में पकड़ा दे। ये जो माइंडसेट है लोगों की, जिसके चलते वो ये सोचते हैं कि ठीक है, चलता है, नहीं चलता है। यदि एक अभिनेत्री एक निर्देशक से मिलने जा रही है और निर्देशक फिल्म की कहानी सुनाते सुनाते अचानक अपने लिंग का प्रदर्शन करता है और अभिनेत्री से कहता है, छूकर देखो ना और बताओ कैसा लगता है, तो ये मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आप खुलकर बोलो, खुलकर बोलो कि देखिए, मुझे आपके साथ मुझे आपके साथ शारीरिक रिश्ता रखना है, संबंध बनाने हैं, मुझे अपना लिंग आपको दिखाना है, अपना लिंग करवाना है। खुलकर कहो ये बातें और फिर देखो इसका अंजाम क्या होगा। आप फिल्मी प्रलोभन देकर हम कलाकारों को अपने पास बुलाते हो और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हो, ये गलत है। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ ज्ञान बांटने नहीं, प्रवचन देने नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बोलने के लिए कि बॉलीवुड बॉलीवुड के तौर तरीके ये अगर मुझे बहुत पहले समझ में आ चुके होते तो शायद मेरा अनुभव कुछ और होता। लेकिन न्यू कमर्स को कोई बताता नहीं है कि देखो डिनर के कई सारे मतलब निकलते हैं, बच कर रहना। देखो कोई निर्देशक या निर्माता अपने पास बुलाए काम के लिए तो अकेले मत जाना, साथ में बॉडीगार्ड को लेकर जाना। इस तरह की ट्रेनिंग हमें कोई देता नहीं है। आज मैं एडल्ट कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ, इसका पूरा श्रेय मैं बॉलीवुड को देना चाहूँगी। बॉलीवुड ने मुझे एक एडल्ट कंटेंट क्रिएटर बनाया है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक हीरोइन बनने आई थी, बॉलीवुड ने बताया कि हीरोइन बनने के लिए नमक का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझ नहीं पाई कि नमक एक्चुअली होता क्या है। नमक का सेवन तो हम सब करते हैं, तो फिर ये किस नमक की बात करते हैं। धीरे धीरे समझ में आया कि इन्हें एक्स फैक्टर की ज़रूरत होती है। मुझे याद है जब मैं बॉलीवुड के लीडिंग
यानी मशहूर निर्देशक निर्माताओं के पास काम मांगने जाती तो वो कहते आप में वो बात नहीं है, और मैं उनसे पूछती सर कौन सी बात नहीं है बताइए ना। नहीं वो बात नहीं है जो जो सनी लियोन में है। अच्छा ऐसी कौन सी बात है जो उनमें है और हमें नहीं है? नहीं वो एक मशहूर पॉर्न स्टार हैं, आप कौन हो? आप तो एक मामूली एक्टर हो। अच्छा आज मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ कि आज आपकी क्या राय है मेरे बारे में। लो बन गई मैं आपकी अपनी देसी सनी लियोन, अब क्या कहना चाहेंगे आप? बात घूम फिर कर ये बनती है कि बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में इतना दोगलापन क्यों है? यानी जो दिखता है वैसा होता क्यों नहीं है? इनका फंडा ये है बद रहो लेकिन बदनाम मत रहो, खुले में डिप्रेशन के नारे लगाओ, बंद कमरे में अगर माल का सेवन करना हो करो, बेशक करो,